हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिपॉक्सिन एंड पैराक्सिन टेबलेट में क्या अंतर होता है, कौन सा बेस्ट है, किस टेबलेट से ज़्यादा देर तक वीर्य निकलने से रोक सकते हैं, कौन सी टेबलेट शीघ्र पतन के प्रॉब्लम में सबसे बेस्ट मानी जाती है और सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का सही आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सियालिस एंड मेगालिस टेबलेट के ब्रांड के बीच के डिफरेंस को बताया है, इन दोनों ब्रांड में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो अगर आप भी इसके बीच के डिफरेंस को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिपॉक्सिन एंड पैराक्सिन टेबलेट किस काम आती है, ये टेबलेट का क्या काम होता है। डिपॉक्सिन या पैराक्सिन टेबलेट का काम आपके क्लाइमेक्स या इजुकुलेशन को डिले करना होता है। अगर आपका क्लाइमेक्स जल्दी हो जाता है या आपका वीर जल्दी निकल जाता है तो इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में इन दोनों टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस दोनों टेबलेट से आप देर तक संबंध बनाने का मजा ले पाते हैं। ये दोनों टेबलेट ही एंटी डिप्रेसेंट की भी काम करती है। तो अब बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, किससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ये दोनों ही टैबलेट आपके नर्वस सिस्टम पर काम करती है, आपको कंट्रोल देता है क्लाइमेक्स को डिले करने का। डिपॉक्सिन आपके नर्व्स में सेरोटोनिन नाम के केमिकल के लेवल को बढ़ाता है जो एजुकुलेशन को डिले करता है। सेरोटोनिन एक केमिकल है जो ह्यूमन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। सेरोटोनिन ब्रेन को ऑपरेट करने और नर्वस सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो मसल्स पेन, फीवर, साइजुरस होता है। साइजुरस बीमारी में आपका ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है जिससे आपका बॉडी के बाकी हिस्से से कंट्रोल नहीं रहता है। तो इन दोनों टैबलेट में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। इसको एक स्टडी के थ्रू समझते हैं। NIH में एक स्टडी हुआ जिसमें 340 पुरुषों को शामिल किया गया जिन्हें शीघ्र पतन की प्रॉब्लम थी, और 340 लोगों को तीन ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप जिसमें 115 लोग थे उन्हें डिपॉक्सिन 60 mg दिया गया, दूसरे ग्रुप जिसमें 113 लोग थे उन्हें पैराक्सिन 20 mg दिया गया, और तीसरे ग्रुप जिसमें 112 लोग थे उन्हें प्लेसिबो दिया गया। इन सारे ग्रुप को 12 वीक का ट्रीटमेंट दिया गया। इसके रिजल्ट में पाया गया कि जिन लोगों की टैबलेट लेने से पहले इजुकुलेशन के टाइम 38, 31, 34 सेकेंड था, उनका टाइम बढ़कर 179, 370, 55 सेकेंड हो गया। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा जो टाइम बढ़ाता है वो है पैराक्सिन, उसके बाद डिपॉक्सिन। IIEF एंड IELT दोनों का वैल्यू इंक्रीज हुआ है पैराक्सिन में डिपॉक्सिन टैबलेट के कंपेयर में। तो इस स्टडी से यही साबित होता है कि पैराक्सिन क्लाइमेक्स को डिले करने में सबसे बेस्ट होता है। अब सीधी बात बता दूँ, डिपॉक्सिन ऑन डिमांड टैबलेट है, जब ज़रूरत पड़े लिया जा सकता है, और ये इजली टेडलाफिल या सिंडेलाफिल के साथ कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। बट पैराक्सिन भी बेस्ट है पर ये इजली अवेलेबल नहीं है और ना ही ये ईडी पिल्स के कॉम्बिनेशन में आता है। तो इन दोनों टैबलेट में यही मेन डिफरेंस है। अब बात करते हैं एडवाइस की। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपने ज़रूरत और डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ ही कोई भी टेबलेट लीजिए, बेस्ट रहेगा। डिपॉक्सिन एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, पैराक्सिन हाई लेवल परफॉर्मेंस देता है, और साथ ही पैराक्सिन एंड डिपॉक्सिन आपके मूड, स्लीप, एनर्जेटिक रखता है, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। इन दोनों टैबलेट से ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जो इजली बॉडी से चला जाता है, अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।